खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। रतिया इलाके पहुंचे एक और सुधार कार्यक्रम के डायरेक्टर रॉकी मित्तल। रतिया में बढ़ रही नशे की घटनाओं का लिया जायजा। रतिया में लोगों ने पुलिस पर लगाए पैसे लेकर नशा तस्करों को छोड़ने और नशा बिकवाने के आरोप। रॉकी मित्तल ने जनता से मांगा 4 दिन का समय। कहा 4 दिन के बाद भी कार्रवाई ना करे पुलिस तो मुझे दे जानकारी, आला अधिकारियों के मामले को लेकर करूंगा बात। रतिया इलाके में एक और सुधार कार्यक्रम के डायरेक्टर रॉकी मित्तल पहुंचे। रॉकी मित्तल ने रतिया में लगातार बढ़ रही नशे की घटनाओं का जायजा लिया। घग्गर नदी के आसपास बसे लोगों ने रॉकी मित्तल को बताया कि नशे से जुड़े तस्कर और नशे के आदि लोग लगातार इन इलाकों में घूमते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों ने बताया कि जब उनके द्वारा विरोध किया जाता है तो उस वक्त नशे के आदि लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। लोगों के द्वारा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। लोगों का कहना था कि पुलिस नशा तस्करों से मिली हुई है और पैसे लेकर नशा तस्करों को छोड़ देती है। रतिया थाना प्रभारी की मौजूदगी में लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस पर पैसे लेकर नशा तस्कर को छोड़ने की बात भी कही, जिस पर रॉकी मित्तल ने लोगों से 4 दिन का समय मांगा। रॉकी मित्तल ने कहा कि 4 दिन बाद पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार होगा, अगर फिर भी पुलिस अपनी छवि को नहीं सुधारती है तो लोगों ने इस मामले की जानकारी दे, वह पुलिस के आला अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे। मीडिया की जानकारी देते हुए रॉकी मित्तल ने बताया कि रतिया इलाके से नशा तस्कर को लेकर लगातार उनके पास जानकारियां आ रही है, जिसको लेकर उन्होंने रतिया का दौरा किया। उन्हें नशे के पुरजोर समस्या यहां देखने को मिली। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों से भी इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। रॉकी मित्तल ने कहा कि इस संबंध में वह आला अधिकारियों तक भी बात जरूर पहुंचाएंगे। खबर 365 न्यूज के लिए रतिया से प्रवीण दहिया की रिपोर्ट। चार दिन के बाद यदि पुलिस ना पकड़े, नंबर मेरे को दो, गाड़ी नंबर मेरे दो, कार्रवाई नहीं हो तो आपकी गारंटी है। ठीक है जनाब, मैं मेरा नंबर आप नोट करो, यदि आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो इस बात का मैं जिम्मेवार हूँ, मैं देखता हूँ कौन कार्रवाई नहीं करता। मैंने तो बोल दिया कोई मिला हुआ है, तू जो कहेंगे तो कर दूंगा बिल्कुल। झूठी ने की तू शादी सौगा नहीं लिते पैसे बिट्टू, मैं कहना लाल है मुंह नहीं है तेरे मुंह, जे तू पैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आज तक जो हुआ मुझे नहीं पता, आज के बाद आपको 4 दिन के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जो गाड़ी नंबर कोई दिखता है कि ये बेच रहे हैं, आप मेरे को दो, मैं सीधा डीजीपी साहब को दूंगा, आईजी शेडी को दूंगा, और जो अधिकारी निचले लेवल का तंग करते हैं मैं एसपी साहब से बात करके बोलूंगा कि रतिया से चेंज कर दो उनको, स्टाफ को, ताकि मेरी बात सुनो। पुलिस तो वही है पूरे हरियाणा की, या भी वो भी आप ये तो नहीं करोगे सस्पेंड करके कोई समाधान है, समाधान है काम तो इन्हीं से लेना है सबने, ठीक है ना। समाधान इस बात का है कि आप भी इनको थोड़ा